हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आईएसएस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। चांदीवली साइट के साइट कंप्लीट होने के बाद सारे वीडियो शूट करना हमने स्टार्ट कर दिया है। और आज का वीडियो टीवी यूनिट का वीडियो है। सो हम बात करेंगे कि यहाँ पर लिविंग रूम में टीवी यूनिट किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, मटेरियल पैलेट क्या है उसकी बात करेंगे। और अगर आपके घर का रिनोवेशन करने वाले हैं या डिज़ाइन वाले प्रोसेस में से जा रहे हैं, सो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अच्छे टिप्स मिल जाएंगे। सो आपके घर के डिज़ाइन में वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या इवन इफ मटेरियल सिलेक्शन वाले प्रोसेस से आप जा रहे हैं फिर भी आपको अच्छे टिप्स मिल जाएंगे। और अगर आपने नेरूर साइड का वीडियो देखा होगा तो वो जब हम शूट कर रहे थे तब मैंने कहा था वो एक सबसे लंबा टीवी यूनिट था जो हमने डिज़ाइन किया था। वैसे ये जो है ये काफ़ी ऊंचा है और आई थिंक अभी तक जो हमने डिज़ाइन किया उसमें सबसे ऊंचा टीवी यूनिट ये होगा, बिकॉज यहाँ की जो हाइट है उस हिसाब से ये ऑलमोस्ट 10 फुट ऊंचा है। सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स की भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लिविंग रूम के अगर सीटिंग की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल शेप सोफा है। नाउ ये सारा जो फर्नीचर है ये भी दिल्ली से आया है। सारे जो शॉप डिटेल्स हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कर्टन्स भी वहीं से आए हैं। यहाँ पर इफ़ यू सी कर्टन्स की हाइट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ्लोर टू सीलिंग हाइट ज़्यादा है और हम चाहते थे कि जो लिंटल लेवल है वहाँ से हम कर्टन्स ना दें क्योंकि उसकी हाइट जो है उसको एम्फसाइज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप ऊपर से कर्टन्स लेते हो तो दिखने पे भी और ज़्यादा वो अच्छा दिखता है, ग्रैंड दिखता है। सो इसके लिए शेयर और ओपेक दो लेयर्स है इसमें भी। ये तो आप शेयर देख सकते हो, सो दो ट्रैक्स ऊपर लगाए हैं। और ये पीछे वाला कर्टन आप देख सकते हैं, सो ट्रैक के ऊपर है, ऊपर दो ट्रैक लगाए हुए हैं। नाउ इसके लिए कितनी जगह छोड़नी थी ये भी हमने डिसाइड किया था और उस हिसाब से इफ़ यू सी फॉल सीलिंग हमने एक लेवल पे स्टॉप कर दिया है। और साइड में जो निश है को है वहाँ से कर्टन भी आ रहा है और वहाँ से लाइट भी हमने दिया है। सो क्लाइंट ने वहाँ पे जाके ये सब कुछ सिलेक्ट किया था। सो ऑन वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप ये सब करके हमने सब फाइनल किया था। मेजरमेंट्स, 3D व्यूज़ ऑब्वियसली वो लेके गए थे और क्योंकि इसके व्यूज़ वेल इन एडवांस सब कुछ रेडी थे तो वी एग्जैक्टली न्यू कि क्या कलर पैलेट हमें चाहिए और जो टीवी यूनिट है उसमें भी कौन से कलर्स आने वाले। सो उतनी क्लैरिटी थी उसके वजह से वो सिलेक्शन करना काफ़ी आसान हो गया। एक चीज़ जब लिविंग रूम का प्लान करते हैं तो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जो टीवी के सामने वाला सीटिंग है वो मैक्सिमम सीटिंग टीवी के सामने होना चाहिए सो दैट आप बैठ के कंफर्टेबली टीवी देख सकते हैं। अगर टीवी को परपेंडिकुलर आपका सीटिंग है तो इस तरीके से बैठ के अगर आप टीवी देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत देर तक आप देख भी नहीं सकते और वो अनकंफर्टेबल होगा देखने के लिए। टीवी यूनिट की बात करेंगे तो ये जो है 2 इंचेस का टीवी है। इसके पीछे आप देख सकते हैं 8x4 फुट के टाइल्स हमने यूज़ किए हैं और क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और हम चाहते थे कि हम एक लंबा टीवी यूनिट डिज़ाइन करें। जो टीवी यूनिट है एक जनरली हम लिंटल हाइट पे कट करते हैं और उसके ऊपर दीवार या वॉल सरफेस दिखा सकते हैं, बट इन दिस केस हम चाहते थे कि ये जो हाइट है उसको हम एम्फसाइज करेंगे। इसके लिए जो टाइल्स है वो भी हम ऊपर तक लेके गए हैं। सो फॉल सीलिंग जहाँ तक है वहाँ तक हम उसको लेके गए हैं और इसके लिए 8x4 की जो टाइल है वर्टिकली यूज़ की है। और यूज़ करते वक्त यहाँ पर हमने 2 टाइल्स यूज़ किए हैं बट यू विल सी मल्टीपल कट्स इसके बीच में। तो हमने इसको कट करके इसके जो फिगर्स है वो हम चाहते थे उस तरीके से डिफरेंट वेज में हमने उसको ले करके देखा है। कुछ जो है हमने टर्न किए हैं और उसमें एक पैटर्न क्रिएट किया और उसके बाद उसको पेस्ट किया है। नाउ इसके जो जॉइंट्स है इसके बीच में हम सोच रहे थे कि वेदर वी शुड ऐड अ स्ट्रिप और मेटल स्ट्रिप वगैरह या उसको ग्राउट करके फिल कर देंगे, बट अभी के लिए इसको हमने पेंट करके वैसे ही छोड़ा है क्योंकि अगर इसमें मेटल स्ट्रिप्स ऐड करते थे तो वो और ज़्यादा उठ के दिखता था और वो गोल्ड या कोई भी दूसरा मेटल फिनिश हम इसमें नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 6 जॉइंट्स इसमें हैं तो बहुत ज़्यादा दिखता था वो। उसके साइड में ये जो मटेरियल है ये आप देख रहे हैं ये हमने अगेन लुअर्स यूज़ किए हैं। नाउ इन दिस रेसिडेंस हमने लुअर्स के बारे में बहुत बात की है तो इसके साथ हम चाहते थे हम कोई ऐसे लुअर्स यूज़ करें जिसमें इनफ कॉन्ट्रास्ट हो और इसको भी उतना इंपॉर्टेंस मिले, तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि वाइट लुअर्स यूज़ करेंगे। नाउ दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली वाइट, वाइट के ऊपर गोल्ड छोटे छोटे स्पेक्स है, आप क्लोजअप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। अगेन इसमें हम देख रहे थे कि कुछ कुछ जो लुअर्स होते हैं उसमें आपको लंबे लुअर्स मिलते हैं। नाउ स्टैंडर्ड इज़ 4 इंच 5 इंच, उसके साथ 4 इंच 5 इंच बाय 8 फीट के लुअर्स आपको मिलते हैं, बट कुछ कुछ जो मटेरियल्स है लुअर्स है उसमें आपको एक 10 फुट तक की लंबी पट्टी मिल सकती है। सो यहाँ पर वी वर ट्राइंग कि हमें 10 फुट की पट्टी मिलेगी तो कोई जॉइंट नहीं आएगा, बट ये उतना लंबा है नहीं तो इसमें जॉइंट्स है, बट वी ट्राइड कि वो जॉइंट हम एक लेवल में ना ले और उसको स्टैगर करके लिया है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो जॉइंट्स नहीं दिखते, उसको पेंट से हमने फिनिश भी किया है। ये जो लाइट फिटिंग है ना, तो लोहार चौल में हमने जब एक लाइट सिलेक्शन वाला वीडियो शूट किया था वहाँ पर हमने नौकार लाइट से ये लाइट सिलेक्ट किया था है ना, उसके साथ ये जो पीछे वाला टाइलिंग है तो हम चाहते थे कि टाइलिंग भी हाईलाइट हो और
अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी के ऊपर डायरेक्टली कोई लाइट ना आए, तो इसके लिए इफ़ यू सी ये दोनों में हमने एक लेवल डिफरेंस क्रिएट किया है और टाइल्स थोड़े पीछे हैं और ये वाले जो लोअर्स है थोड़े से आगे हैं। इन दोनों के बीच की जो गैप है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक LED स्ट्रिप लाइट लगाई है यहाँ पर भी है, और जो निशेस हैं निशेस के पीछे भी सिमिलर डिटेल हमने फॉलो किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके पीछे भी। सो दोनों साइड से स्ट्रिप लाइट है, तो अगर आपको सारे लाइट्स बंद रखने और सिर्फ वो लाइट्स चालू रखने तो भी ये जो टाइल वाला सरफेस है रात में तो और भी अच्छा दिखता है। और ऊपर जो लाइटिंग है अगेन सीलिंग में भी हमने इस तरीके से लाइटिंग किया है कि दिस वॉल गेट्स हाईलाइटेड, नॉट डायरेक्टली बट इसके साइड में इनफ लाइटिंग है। और LED स्ट्रिप लाइट्स के साथ कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा उसके छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, स्पेशली आप उसको लगाते हैं उसके बाद। फॉल सीलिंग में उतने नहीं दिखते क्योंकि कोई इतना रिफ्लेक्टिव सर्फेस नहीं होता, बट जब आप इस तरीके के सरफेस के साइड में उसको लगाते हो जो एक हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस है जिसपे दिख सकता है या ग्लॉसी सरफेस है, तो वहां पर वो डॉट्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखते हैं। और जैसे आप यहां से देख सकते हैं कि आपको लाइट फिटिंग भी दिख रहा है और आउटपुट भी दिख रहा है, लाइट फिटिंग डायरेक्टली नहीं दिखता बट दिखता है साइड से और आउटपुट भी दिखता है। सो हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर वो डॉट्स दिखे LED स्ट्रिप के, तो इसके लिए हमने क्या किया है, LED स्ट्रिप लाइट के लिए एक प्रोफाइल स्ट्रिप आती है, सो उसके अंदर उसको फिट अप करोगे तो आपको वो डॉट्स का डिटेलिंग नहीं दिखता। ये वार्म वाइट में है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दैट साइड ऑफ द टीवी यूनिट जहाँ पर एक वर्टिकल शेल्फ है। सो उतने ही डिस्टेंस में हमने यहाँ पर ये दो यूनिट्स प्लान किए, एक जो है ये वर्टिकल शेल्फ है आप देख सकते हैं और उसके साथ एक यूनिट है। नाउ ये जो है इसको MDF में किया है और इसके ऊपर पेंट किया है ड्यूको पेंट, ये एक मैट ब्लैक पेंट है। सो दिखने में विद द टाइल्स इट लुक्स नाइस। इसके जो एजेस है सिमिलर डिटेल वी हैव ट्राइड टू फॉलो, जो हमने नेरो साइड पे भी किया था उसको थोड़ा सा टेपर किया था, तो दिखने में बहुत थिक नहीं दिखता। ये जो आपकी सामने वाली एज है थोड़ी सी पतली दिखती है, दिखने में और ज़्यादा क्रिस्प लगता है। इसके पीछे भी हमने लाइट्स दिए हुए LED स्ट्रिप हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर ऑब्वियसली द आर्टिफैक्ट स्टैंड आउट। और अगर आप लाइटिंग भी करते हो तो सारे लाइट्स भी बंद रखोगे और सिर्फ निशेस के लाइट आप चालू रखोगे तो भी बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद इसके पीछे एग्जैक्टली अ सेट ऑफ बॉक्स रखा है, यू कैन सी द सेट ऑफ बॉक्स हियर, यहाँ पर सेट ऑफ बॉक्स रखा है। तो कहीं पर इतनी स्पेस नहीं थी जहाँ पर आपको कुछ मिसलेनियस चीज़ें वगैरह रखनी है तो आप रख सकते हैं। इवन दो नीचे की जो लाइन ऑफ ड्रॉवर्स है वो ड्रॉवर्स काफ़ी डीप है, वहाँ पे भी रख सकते हो, बट एक्स्ट्रा स्टोरेज होगा तो डेफिनेटली वो यूज़ होता है हमेशा। तो इसके लिए ये जो वर्टिकल यूनिट है वो उसके लिए डिज़ाइन किया है। ये पुश बटन पे है तो आप उसको पुश करके खोल सकते हैं, इसको हैंडल वगैरह नहीं है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आप रख सकते हो, इफ़ एट ऑल आपको न्यूज़पेपर वगैरह रखने या जो भी मिसलेनियस आइटम्स आप इसमें आसानी से रख सकते हो। ये टीवी जो है काफ़ी स्लिम है, उसके नीचे आप साउंड बार भी देख सकते हैं। नाउ इसके लिए जब हम टीवी यूनिट प्लान करते हैं तो पीछे हमेशा इस टाइल में और पीछे जो प्लाय है तो उसमें हमने एक स्विच प्लेट दी थी, एक स्विच बोर्ड दिया था, एज इन एक स्विच बोर्ड जिसमें एक ब्लैंक था जहाँ से आप वायर्स खींच सकते हैं और एक स्विच बोर्ड था जहाँ पर आप 3 पिन लगा सकते हैं। बट जब ये टीवी इंस्टॉल कर रहे थे तब हमें रियलाइज़ हुआ ये जितना फ्लैट है और जितना पीछे ये जा सकता है और जिस तरीके से वो डिज़ाइन किया है, बिकॉज ऑफ द स्विच प्लेट पीछे का और वो जो 3 पिन थी उसकी वजह से वो बहुत बाहर आ रहा था और यहाँ से इतना बाहर आ रहा था वो अच्छा नहीं दिख रहा था। इसके लिए हमने क्या किया, वो जो स्विच प्लेट्स थी वो हमने निकाल दी और पीछे सिर्फ उसका गाला है, जो सिर्फ उसका गाला है उतना ही है जो हमने प्लाय में कटआउट किया था, और जो 3 पिन है वो भी उसके अंदर डाल दिए, जिसके वजह से ये काफ़ी दीवार के पास में चला गया। सो इफ़ यू सी टाइल में और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट लूअर्स की जो लेवल है उसके भी अंदर ये टीवी अभी चला गया, जिसकी वजह से बहुत स्लिम जो है अच्छा भी दिख रहा है। यू ऑलमोस्ट सी लाइक वेरी थिन एज आप यहाँ से देख सकते हैं, तो बहुत बल्की नहीं दिखता। अदरवाइज़ ये साइज़ का टीवी बहुत बार आएगा तो बहुत बड़ा दिख सकता है, ओवरपावरिंग लग सकता है पूरे टीवी यूनिट में, बट बिकॉज ये अंदर चला गया इसके लिए अच्छा लग रहा है। जब भी आप ये सिस्टम बुक करते हो तब भी कंपनी से एक टेक्नीशियन आके आपको एक्सप्लेन करता है कि आपको वायरिंग किस तरीके से करना है। नाउ इवन इन दिस केस जब हमने ये साउंड बार सब कुछ सिस्टम बुक की थी तो उनके साथ एक विजिट उनकी बुक की थी, तो वो उन्होंने यहाँ पे आके एक्सप्लेन किया था कि आपको वायरिंग किस तरीके से करना है। नाउ उनकी विजिट होके भी जब टीवी इंस्टॉल हो रहा था तब टीवी इंस्टॉल करने वाले लोग थे, वो टेक्नीशियंस थे प्लस साउंड बार के लिए टेक्नीशियन थे, तो 2-3 लोग हम काफ़ी देर तक इंस्टॉलेशन इसका चल रहा था क्योंकि पीछे जैसे मैंने कहा टीवी पीछे भी नहीं जा रहा था तो उसमें पीछे कटआउट करना था। तो जब आप टीवी का इंस्टॉलेशन प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि साइड पे कारपेंटर हो, फिर जो भी आपका डिज़ाइनर आर्किटेक्ट जो भी हो वो भी प्रेजेंट हो और सारे टेक्नीशियंस हो, क्योंकि टीवी इंस्टॉल करते वक्त कई बार ऐसे होता है कि थोड़ा वक्त लगता है, आपने पैनलिंग में किस तरीके से उसको सपोर्ट दिया है, ब्रैकेट वगैरह लगाने के लिए टाइम लगता है। सो मेक श्योर कि एवरीवन इज़ ऑन साइट जब आपका इंस्टॉलेशन हो। नाउ इसके साथ जो वूफर आता है तो हम सोच रहे थे इनिशियली वेदर वूफर हम यहाँ पे रखें या जो निशेस हैं वहाँ पे रखें, बट जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने कहा था कि आप लिविंग रूम में वूफर कहीं पे भी रख सकते हो, सो अगर आप जहाँ पे बैठने वाले हो उसके पीछे के साइड पे वूफर होगा तो वो बेटर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो सोफ़ा
है एल, इसका जो आर्म है इसके पीछे बिटवीन दिस एंड द वॉल देर इज सम स्पेस जहाँ पर हमने ट्रैक्स लगाए और कर्टन के लिए जगह छोड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वूफर रखा हुआ है एंड जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने कहा कि दिस स्पेस इज गुड, यहाँ पर आप रखोगे तो आपको अच्छे से आवाज़ भी आएगा और क्योंकि हमारे पास इतनी जगह है तो वो रखना काफ़ी आसान था, अदरवाइज वी वुड हैव केप्ट इट प्रोबेबली ऑन दिस शेल्फ या इस साइड में भी रख सकते थे बट यहाँ पर थोड़ा विजिबल होता था, सो दैट वॉज अ बेटर ऑप्शन, इसके लिए वी केप्ट इट देयर। सो यहाँ पर नीचे जो ड्रॉवर्स है उसका डिटेल देखेंगे। सो ये इसकी जो एज है ना, हमेशा हम जब ड्रॉवर्स देते हैं तो एक तो ड्रॉवर्स की जो थिकनेस होती है उसका जो फेस है उसकी थिकनेस होती है तो वो इधर आप देखते हो ऊपर से या उसके ऊपर की जो लेज होती है उसका थिकनेस आपको इस तरीके से दिखता है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों भी एजेस आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि दोनों भी थिकनेसेस आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसको इसका जो फेस है उसको 45 डिग्रीज में कट किया है। सिमिलर डिटेल वी हैव फॉलोड इन द बेडरूम ऑल्सो। सो यहाँ पर आपका ये जो फ्रंट है उसको 45 डिग्रीज में कट किया है, नाउ ये जो टॉप है उसको भी 45 डिग्रीज में कट किया है, तो इसके लिए कवर बंद होने के बाद आपको सिर्फ एक एज दिखती है और आपको वो थिकनेस नहीं दिखता। नाउ ये दिखने पे थोड़ा सा और नीट और क्लीन दिखता है इस तरीके का डिटेलिंग, और अगर आपके पास कोई ओपन कॉर्नर है जहाँ पर दो साइड्स दिखने वाले हैं तो वहाँ पर तो ये डिटेलिंग आप करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, तो ना ही सामने से आपकी वो धार दिखेगी ना ही साइड से दिखेगी। और यहाँ पर इसको सिर्फ ओपन करने के लिए बिकॉज आप उसको कोई भी कहीं से भी धार नहीं दिखा रहे और नीचे के साइड पर हमने लेज ली है, अदरवाइज उसको आप नीचे से खोलने का डिटेल कर सकते हैं जिसमें आप फेशा थोड़ा बड़ा रखते हो और नीचे से खोलते हो, बट ड्रॉवर में और जो भी नीचे के लेवल पे है वहाँ पर आप करोगे तो आपको ज़्यादा झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर इजीली यूज़ करने के लिए उसको हमने छोटे से नॉब्स दिए हैं सारा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की जो लेज है वो ब्लैक है, सो विथ ऑल ऑफ दैट वी फेल्ट कि अगर हम उसको ब्लैक वाले छोटे नॉब्स देंगे तो दिखने में अच्छे दिखेंगे, और इसकी जो धार है उसको हमने पेंट कर दिया है। सो जब भी आप मटेरियल ऑर्डर करते हो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हम एक 10% वेस्टेज ऐड करके ही मटेरियल ऑर्डर करें, कोई भी मटेरियल हो। नाउ विद दीज लुअर्स व्हाट हैपेंस इज, जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है क्योंकि कई जगह पे हमने लुअर्स यूज़ किए, तो ये लुअर्स जितने हमने ऑर्डर किए थे जितने स्ट्रिप्स हमने ऑर्डर किए थे तो वेस्टेज पकड़ के ही हमने एक स्ट्रिप एक्स्ट्रा ऑर्डर की थी, बट इसका ये वाला जो डिटेलिंग है क्योंकि यहाँ से आप अंदर आते हो तो यहाँ पर 45 डिग्रीज में वो 90 डिग्रीज में वो टर्न होता है, सो इसके लिए इसका जो थिकनेस होता है लुअर्स का वो फिनिश नहीं होता। और यहाँ पर क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ से आप अंदर आओगे तो ये एक ओपन एज है वो अच्छे से अच्छी दिखनी चाहिए, क्लीन नीट दिखनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो लोअर है ये जो पट्टी है इसको हमने 45 डिग्रीज में अगेन कट किया है और दूसरी पट्टी 45 डिग्रीज में कट करके इसको लगाई है सो दैट उसका एज जो है वो उसकी एज अच्छे से दिखेगी। बट वो करते वक्त क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिपिंग भी होता है तो एक स्ट्रिप एक्स्ट्रा लेके भी हमें वो कम पड़ गई, और उसके बाद सो अराउंड 15-20 दिन के बाद जब हम इसके ऑर्डर वापस प्लेस कर रहे थे तब हमने रियलाइज़ किया हमने सो 15-20 दिन के बाद जब हम इसको वापस सोर्स करना चाहते थे तब ये मटेरियल हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, और मल्टीपल शॉप्स में मल्टीपल लोकेशंस में हमने ये ढूंढने की कोशिश की बट सेम स्ट्रिप हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी। सो फिर व्हाट वी डिसाइडेड कि ऊपर की जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको हमने इस तरीके से कंप्लीट कर दिया जितना मटेरियल हमारे पास था उसमें, और नीचे वाला जो हिस्सा है सो नाउ ये जो लेज है इसके नीचे भी ये सेम स्ट्रिप्स कंटिन्यू होते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें हमने प्लाई में उस तरीके का डिज़ाइन किया है और उसके ऊपर वाइट पेंट किया है, उसके ऊपर गोल्ड स्पेक्स है, सो सेम डिटेलिंग हमने करने की कोशिश की बट बिकॉज इट इज़ एट अ लोअर हाइट तो वो उतना दिखता नहीं है, इफ़ एट ऑल आप वहाँ पे बैठोगे तो आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा, बट आई थिंक द कारपेंटर्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, कारपेंटर्स और पेंटर्स वो बहुत ही अच्छे से मैच किया है, और जैसे ये दिख रहा है दे हैव ट्राइड क्रिएटिंग अ सिमिलर पैटर्न ऑन दैट विच इज़ लुकिंग गुड। बट अगर द पॉइंट इज़ कि अगर आप इस तरीके से मटेरियल ऑर्डर कर रहे हो सो मेक श्योर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही आप उसको ऑर्डर करो, आप कहीं ना कहीं पे उसको यूज़ कर लोगे बट अगर वो कम पड़ जाएगा तो फिर मैच भी नहीं कर सकते और ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। नाउ ये जो सेंटर टेबल है जो दो पीसेस हैं इसमें हाइट कम ज़्यादा इसकी आप देख सकते हैं, और इसका जो टेबल टॉप है हम सोच रहे थे कि क्योंकि हमने यहाँ पर टाइल्स भी यूज़ किए हैं जो इसके बैकड्रॉप में भी है वाइट, वो भी एक टाइल है 8x4 की टाइल है, और जो टीवी यूनिट में है वो भी टाइल है, जो स्टोन लुक है एक्चुअल में टाइल है बट अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्टोन ही है, सो विद दैट वी फेल्ट कि अगर जो भी हम सेंटर टेबल लेने वाले उसमें भी अगर स्टोन वाला स्टोन टॉप होगा वो ग्रेन्स होंगे तो दिखने में और अच्छा दिखेगा, इसके लिए भी सिलेक्टेड दिस, और इसका जो गोल्ड बेस है उसके वजह से आई थिंक वो और उसको एनहांस करता है उसका जो टॉप है उसको। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो साइट है इसके सारे
कंप्लीट होने के बाद के सारे वीडियोस हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, वो एक बेडरूम्स हो या टीवी यूनिट हो या कंप्लीट साइट टूर हो, स्पेस सेविंग फर्नीचर, काफ़ी सारे वीडियोस हमने शूट किए हैं। और सो मेक श्योर आप सारे वीडियोस देख लीजिए। अगर इस सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोस, इनिशियल एपिसोड्स आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर देंगे, नीचे लिंक डाल देंगे, मेक श्योर आप सारे एपिसोड्स देख लो। सो स्टार्टिंग से जिस तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप सब कुछ देख सकते हैं। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या प्रोबेबली कोई नई चीज़ जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो वो भी बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार हो जिनको इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या कोई प्रोफेशनल, कोई बडिंग डिज़ाइनर्स जिनको आप जानते हो, तो उनके साथ ये सीरीज़ या इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो, लेट्स से आपका फेवरेट जो भी वीडियो, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए बाय।